हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये पे त्रिपुरा से एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक बड़ी खबर निकल के आ रहा है। जी हाँ, त्रिपुरा में एनपीआर शुरू होने जा रहा है। कब और कैसे, आपको पूरा विस्तार से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कुछ समय पहले ये अपडेट आया है, विस्तार से जानने के लिए वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखते रहिए। उससे पहले वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, ज़रूर से एक लाइक कर देना, और आगे चल के नए नए इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी जरूर दबा के रख लीजिए। त्रिपुरा इस वर्ष मई से केवल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन के हिस्से के रूप में डेटा एकत्र करेगा। यहां तक कि देश एनपीआर के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और नागरिक के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन को देख रहा है, जनगणना संचालक निर्देशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। एनपीआर राज्य में जनगणना अपडेशन के हिस्से के रूप में एनपीआर के डेटा एकत्र किया जाएगा। एनपीआर तंत्र के लिए टीम में लगभग 11,000 लोगों को तैनाती की जाएगी। प्रक्रिया का एक हिस्सा पहले ही शुरू किया जा चुका है। पहले चरण में 16 मई से त्रिपुरा में घर और आवास की जनगणना की सूची की तरह एनपीआर डाटा का संग्रह शुरू होगा। जनगणना संचालक के निर्देशक पीके चक्रवर्ती ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, यह चरण 29 जून तक जारी रहेगा। दूसरे चरण में वास्तविक जनगणना ऑपरेशन अगले साल से शुरू होगा। डाटा संग्रह केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, चक्रवर्ती ने कहा। 11,000 सदस्य में से लगभग 9,062 प्रगणक होंगे, जिनमें 1,556 पर्यवेक्षक, 9 प्रधान जनगणना अधिकारी होंगे, जिनमें अन्य प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे। 16 मास्टर प्रशिक्षक 6 से 10 अप्रैल तक अगरतला में 169 फील्ड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार त्रिपुरा राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के प्रमुख भी है। उन्होंने केवल ऐप के माध्यम से डाटा एकत्र करने का निर्णय लिया। हालांकि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार एनपीआर डेटा के पहले चरण के लिए मोबाइल ऐप और पेपर शेड्यूल दोनों का उपयोग किया जा सकता है, संग्रह प्रक्रिया, अधिकारी ने कहा। चक्रवर्ती ने कहा कि मोबाइल ऐप के संचालक के माध्यम से डेटा को तेजी से अंतिम रूप दिया जा सकता है, और यदि कुछ पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में एनुमेटर डेटा में प्रवेश कर सकते हैं और बाद में इसे तेजी से इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपलोड कर सकते हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि एनपीआर डेटा को पहली बार 2010 में देश में सर्वेक्षण किया गया था और बाद में 2015 में इसे अपडेट किया गया था। नाम, उम्र, जन्मस्थान, लिंग, वैवाहिक स्थिति, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, राष्ट्रीयता इत्यादि विवरण इस मई में उपयोग किए जाने वाले एनपीआर प्रश्नावली में शामिल है। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन देने वाला था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा इस बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।